स्टोरी और फकीर, ये स्टोरी है एक राजा की। वो राजा बहुत ही ब्रेव होता है, बहुत ही बहादुर होता है, ठीक है। एक दिन क्या होता है, वो धीरे 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 अपनी प्रजा को ट्रेन करता है। किसलिए ट्रेन करता है कि अगर कोई हम पर हमला कर दे या अटैक कर दे तो हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। वो राजा सब अपनी पूरी की पूरी जनता को ट्रेन करता है। हम लोग भी ट्रेन करते हैं ना, होते नहीं होते ट्रेन। अगर कहीं कोई बॉम्ब एक्सप्लोड होगा तो हम क्या करेंगे, है ना। आग लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो हम लोगों की भी ट्रेनिंग होती है, नहीं होती है ना। ऐसे ही वो किंग क्या करता था, अपने पूरे के पूरे लोगों को ट्रेन करता था कि अगर कोई दूसरा देश उन पर हमला कर दे तो वो अपने आप को कैसे बचाएगा, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, राजा बड़े ही बेफिक्री से सो रहा होता है अपने रूम के अंदर और अचानक से कोई दूसरी कंट्री उसके ऊपर या दूसरी स्टेट उसके ऊपर अटैक कर देती है। राजा की जो सेना होती है वो खूब दिल लगाकर खूब अच्छे से खूब फोर्स के साथ उसकी सेना से लड़ती है, ठीक है। रातों रात लड़ाई होती है, राजा को पता ही नहीं चलता। फाइनली चीख पुकार आती है, हे हुर्रे, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। राजा की आंख खुलती है और राजा देखता है कि अरे वाह, मेरी तो प्रजा बहुत ही समझदार हो गई है, बहुत ही बढ़िया हो गई है। मैं सोता भी रहा, मेरी तो गाइडेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी और मेरी प्रजा ने ऐसे ही उन्हें हरा कर भगा दिया और अपने किंगडम को सेव कर लिया, है ना। अब क्या होता है, इससे राजा बिल्कुल ही बेखौफ हो जाता है। कहता है जो भी आएगा, मेरी प्रजा तो बहुत पावरफुल है, वो अपने आप ही उसे हरा देगी। वो ट्रेनिंग देना ही बंद कर देता है और वहाँ के लोग भी जब वो ट्रेनिंग के लिए बुलाता है तो वहाँ के लोग ट्रेनिंग के लिए आते भी नहीं है कि अरे ये हटाओ, हम तो ऐसे ही जीत जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है और एक दिन क्या होता है, अटैक हो जाता है और उसकी प्रजा हार जाती है। राजा रातों रात भागता है और जब केव में जाकर अपने आप को बचा लेता है, जंगलों में भागता है और केव में जाकर छुप जाता है। सारी की सारी जो शहर जीता होता है, जिन लोगों ने कैप्चर किया होता है, वो सारे के सारे लोग राजा को ढूंढ रहे होते हैं कि राजा को ढूंढो, उसे पकड़ो, उसे मारो, है ना। लेकिन राजा चुपके से केव के अंदर छुपा रहता है बहुत दिनों तक, भूखा प्यासा कुछ नहीं करता है, वहाँ घास खाता है, कोई भी पेड़ फल तोड़ तोड़ के खाता रहता है। फाइनली वो क्या देखता है, एक दिन केव के अंदर एक स्पाइडर होती है, वो अपना वेब बना रही होती है। एक बार कोशिश करती है, नीचे गिर जाती है। दोबारा फिर कोशिश करती है, नीचे गिर जाती है। तीसरी बारी फिर कोशिश करती है, नीचे गिर जाती है। चौथी पांचवी छठी सातवीं बारी में फाइनली वो अपना वेब बना लेती है। जब वो अपना वेब बना लेती है तो राजा उससे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हो जाता है, खुश हो जाता है देखकर। इतना छोटा सा, इतना छोटा सा कीड़ा स्पाइडर कितनी कोशिश कर रहा है अपने घर को बनाने के लिए, तो मैं क्यों ना अपने आप एक बड़ी और कोशिश करूं अपने किंगडम, अपने एम्पायर को वापस लेने के लिए। वो रातों रात अपने किंगडम में वापस जाता है और अपने सब लोगों से मिलता है और स्ट्रैटेजी बनाता है और फाइनली फिर से अटैक करता है और वो जीत जाता है। समझ में आया, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। नाउ यू हैव टू टेल मी द जिसमें चाहो उसमें। निमिषा जल्दी से खड़ी हो जाओ। जो है हमें जो है अपनी बहादुरी से काम लेना चाहिए और जो है हार को जो है ना हमें जो है आप बताओ मॉरल। वेरी गुड, आप बताओ मॉरल। कुछ भी ट्राई करो, जल्दी स्टैंड अप, ट्राई करो, कीप ऑन, वेरी गुड, गुड। नहीं अच्छा अजितेश, यू जस्ट टेल मी द मॉरल। नो अच्छा और छोटा रितिशा, बताइए रितिशा फिर से बोलो। वेरी गुड, हमें कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। मेरा भी यही था। लेट जाओ। मेरा भी हाँ, यस यू टेल मी। मैम वी डोंट हैव ओवर कॉन्फिडेंस। वी शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। वेरी गुड, आप बताइए सेम है। मैं अगर हाँ ट्राई ट्राई करते रहना चाहिए।
आप बताओ आप बताओ आप बताओ वेरी गुड वी शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन यस हां बताओ बैठ जाओ आप बताओ बेटा आप बताओ बता रहे थे हमें बार बार कोशिश करता रहना चाहिए।